हेलो एवरीवन, सेकावाटी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है गाजर और मटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने ताज़ा मटर यूज़ किए हैं, फ्रोजन वाले मटर नहीं हैं, क्योंकि अभी सीज़न है गाजर और मटर दोनों का ही सर्दियों में। चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 गाजर, जिनको मैंने छील लिया है। धनिया पत्ता लिए हैं, 1 कटोरी ताज़ा मटर लिए हैं, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च। मैंने इन सबको वॉश कर लिया है और सबसे पहले सब्जियों को चॉप करेंगे। मैंने सभी सब्जियों को चॉप कर लिया है, लहसुन और हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। अब हम सब्जी बनाने के लिए हमारे मसाले मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चम्मच से इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने बहुत ज़्यादा अलग से कुछ मसाले नहीं लिए हैं, बेसिक मसाले हैं जो डेली में यूज़ में आते हैं। मैं एकदम सिंपल रेसिपी आपको बताने वाली हूँ आज गाजर मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए, जिससे सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए अब हम कढ़ाई लेते हैं, गैस ऑन करते हैं और 3 छोटे चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा भूनने देंगे। अब इसमें लहसुन और ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, जिनको हमने चॉप कर लिया था बारीक। लहसुन के लाइट ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे। हमारे लहसुन अच्छे से सीख गया है। अब इसमें हमने जो मसाले मिक्स किए थे वो ऐड करेंगे। अब मसालों को चम्मच से 1.5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। डेढ़ मिनट हो गया है। अब हम कढ़ाई को प्लेट से कवर करके गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1 मिनट तक और पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है, देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। चम्मच से इन सबको मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। मसालों को पानी में मिला देंगे अच्छे से। अब गाजर ऐड करेंगे। मटर ऐड करेंगे और इन सबको मसालों में मिक्स कर देंगे। सब्जियों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे और 7 मिनट तक सब्जी को पकाएंगे। 7 मिनट हो गए हैं, चलिए सब्जी को खोल के देखते हैं। सब्जी को मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी परफेक्टली पक गई है। मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए गाजर हमारी आसानी से टूट रही है चम्मच से। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो आप इसे और ना पकाएं, लेकिन मैं इसे ड्राई करूँगी, इसलिए 2 मिनट के लिए और पकाऊँगी। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल ड्राई हो गई है। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसे भी मिला देंगे। अगर आपको टिफ़िन वगैरह में डालना है बच्चों को, या आप खुद ऑफिस में जाते हैं उसके लिए आपको पैक करना है, तो आप इसे ड्राई ही बनाएं। ये देखिए हमारी सब्जी परफेक्टली पककर तैयार है, एकदम ताज़ा सीजनल सब्जी है ये।
अब मैं इसे सर्व करती हूँ। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड करेंगे। गाजर और मटर की सब्ज़ी तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कुछ भी इसमें अलग से ज़्यादा मसाले भी यूज नहीं किए हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।